Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So today we will be going to do revision of our next topic, which is sentences. आज हम revision करेंगे हमारे next topic की. Nouns हमने कर लिए हैं revision. तो आज हम क्या करेंगे? Sentences. Okay? So you know what are sentences? Sentences क्या होती हैं? देखो हम कोई भी sentence अगर बोल रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर सेइंग समथिंग, उसका एक मीनिंग होता है, वर्ड्स होते हैं उसमें. अगर मैं बोल रही हूं कि आई एम डूइंग माई वर्क, इफ आई एम सेइंग कि आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रही हूं, सबसे पहले क्या है? बहुत सारे वर्ड्स हैं. क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. और इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनता है जिसका एक मीनिंग है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट मेक्स, जो क्या बना रहा है? कंप्लीट सेंस बना रहा है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. ओके, समझ आया? सेंटेंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक सेंस बनाते हैं, कंप्लीट मीनिंग बनाते हैं उस सेंटेंस का. सेंटेंस हमेशा, सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर. सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर. सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद पंक्चुएशन मार्क. Sentence always ends with punctuation mark. Sentence के पीछे हमेशा एक punctuation mark लगता है. It can be full stop, it can be question mark, it can be exclamation mark. Okay? कोई punctuation mark हो sentence के end में लगता ही है. ठीक है, अगर देखो, सी आई विल राइट दिस सेंटेंस अगेन. क्या लिखा था मैंने? आई एम डूइंग माई वर्क, यही था. अगर मैं इसमें से आई एम हटा दू तो क्या इसका, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, लेकिन क्या इनकी सेंस बन रही है, क्या इनका कंप्लीट मीनिंग बनता है? नो. तो क्या हुआ? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ग्रुप तो है ये, बट दैट डज नॉट मेक, क्या नहीं बनाते ये? डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस. अब कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स का ग्रुप ऐसा भी होता है जिनकी कंप्लीट सेंस नहीं बनती. दैट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, तो उन्हें क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उन्हें? फ्रेजेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फ्रेजेस बोलते हैं. ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, डूइंग माय वर्क भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट इनका एक कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा, तो ये क्या हुए? फ्रेजेस हुए. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस बनाते हैं, जिनका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, वो क्या होते हैं? सेंटेंसेस होते हैं. बट दोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, कंप्लीट सेंस नहीं होती, वो क्या होते हैं? फ्रेजेस होते हैं. क्लियर? वेरी गुड. अब क्या है देखो, जो फ्रेजेस होते हैं phrases does not begin with capital letter. क्या मेरा ये capital letter है? No. Don't always begins with capital letter. ठीक है, phrases don't always begins with कैपिटल लेटर. ओके,
It is not compulsory that phrases always ends with punctuation mark. Phrases does not always ends with ये कंपल्सरी नहीं है कि फ्रेजेस पंक्चुएशन मार्क्स के साथ ही एंड हो. क्लियर? तो सेंटेंसेस क्या होते हैं जिनका एक कंप्लीट मीनिंग होता है और फ्रेजेस क्या होते हैं जिनका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, इनकम्प्लीट सेंस बनाते हैं. होते दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. देखो इसमें भी वर्ड्स के ग्रुप हैं, थ्री थ्री वर्ड्स हैं हमारे पास. सेंटेंस में भी हमारे पास वर्ड्स होते हैं, वी हैव सो मेनी वर्ड्स. बट क्या होता है कि फ्रेजेस की कंप्लीट मीनिंग नहीं बनता. डूइंग माय वर्क, समथिंग इज मिसिंग कि हु इज डूइंग द वर्क. अगर मैं बोल रही हूँ कि डूइंग माय वर्क, ठीक है, तो क्या काम कर रहे हो, कौन काम कर रहा है, डूइंग वर्क, हु इज डूइंग वर्क, समथिंग इज मिसिंग. तो फ्रेजेस हमेशा इनकम्प्लीट सेंस बनाते हैं. जो सेंटेंसेस होते हैं दे ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर और फ्रेजेस की कंपल्शन नहीं होती. फ्रेजेस does not always begins with capital letter. अब sentences हैं, they ends up with punctuation marks, उनके पीछे punctuation mark लगता है, but phrases does not always ends with punctuation marks. Clear? Yes. अब हम कल क्या करेंगे, sentences के parts करेंगे which are subject and predicate. कल क्या करेंगे, sentences के parts करेंगे which are subject and predicate. समझ आया? वेरी गुड. सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टेक केयर. बाय बाय.